सोसाइटी गलत फैसला करती है बहुत सी जगहों पे। हमारे दोस्त है लिबरल को मजहब को नहीं मानते, इतना खून बहेगा, इतना कत्ल वारदात होगा। जब एक दफा उसके पास पावर आ गई तो आपने फरमाया उसी को अमीर मान के उसी की इताअत करो। क्यों हाकिम बन गया लेकिन नबी हुक्म दे रहे हैं कि अब उसी को फॉलो करना। तो देखना यह है हर जगह की ग्राउंड रियलिटी दूसरी से मुख्तलिफ। होता तो ये माँ के कदमों में जन्नत तलाश करते हैं, ये बाप की पेशानी में हज़्ज़ उम्रे के सवाब तलाश करते हैं, ये घर में रखने वाले हैं। तो ये डायलॉग हैं जो पहली दफ़ा सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इन दिलों में तेल नहीं है, ये कोई डायलॉग है। ह्यूमन राइट्स के नाम से आप देखें जितना खवातीन के हकूक की बात करते हैं, तो किसी गोरे से बोलोगे यार तुम उसको बीवी बना के इज्जत के साथ घर में क्यों नहीं लेकर आते, उसके सारा जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, वो नहीं उठाएगा। तो ये कैसे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं। तो ये सिर्फ एक लेवल है। देखिए गोरे ने जुल्म ये किया है कि जब उनकी कौम में कोई बुराई सरायत कर गई ना, तो आपको पता है जब कोई बुराई कौम में हर शख्स में होती है तो उस कौम को फिर बुरा कहा जाता है, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि यार हमको अगर लोग बुरा मुफ्ती साहब मैं सोचता हूँ अगर छुपके कहीं शादी कर लूँ ऐसा ना कभी पता चल जाए इतना मारेंगे तो चलाना है भाई मार खा ले यार। ज़र्बुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होगी। बीवी की खातिर पिटेंगे आप जब आपकी वाइफ देखेगी कि मेरे से शादी कर लिए पिट रहा है, उसके दिल में आपकी मोहब्बत के कैसे जज्बात पैदा होंगे। मैं आपको सही बता दूं आजकल वालदैन इस बारे में दिलचस्पी नहीं लेते, ये दिमाग से निकाल। वालदैन को बात समझाना और ऊंट को रक्षे में बिठाना ये एक ही जैसे काम, जैसे ऊंट रक्षे में बैठ कराची मुझे बिठा दिया जाए किसी लोगों को। तो वालदैन को नहीं समझाया जा सकता। देखिए वालदैन की भी ना हुकूम की एक लिमिट है, ये तो सबसे ज़्यादा हम अल्लाह के बाद वालदैन है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। नमाज आप पढ़ रहे हैं, माँ आपको बुलाए तो हुकुम है कि नमाज तोड़ के जवाब, बाप बुलाए हुकुम है नमाज तोड़ के जवाब, इतना है। लेकिन लामहदूद हुकुम किसी के भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हुकुम की बाउंड्री नहीं है और उनको आपको शरीयत ने ऐसा गुलाम बनाया कि अब आपकी अपनी मर्जी हो ही नहीं सकती। तो वहाँ कहते हैं कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, आपको वालदैन सफ़र से रोक रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं है, दूसरा बच्चा है हुकूमत के लिए, तो आपको वो नहीं रोक सकते सफ़र। ज़ाहिर इंसान सफ़र करता है तो तिजारत करता है पढ़ाई के लिए, तिजारत आप चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, आपके अब्बा कह रहे हैं नौकरी कर लें, रिजल्ट ये निकल रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब भाई जिसकी भी गलती हो कम से कम ये सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए ना कि डिप्रेशन में चली जाए। तो मैं तो इसका कायल नहीं हूँ कि इस ज़माने में जॉइंट फैमिली में लड़े की जाए शादी। बहुत कम घराने ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में भी खुश रहते हैं, के पी के में तो होते हैं ऐसे जॉइंट फैमिली में खुश रहते हैं, लेकिन कराची पंजाब में ये ख़त्म हो गया सेटअप, तो बहुत ही कम घराने हैं, तो वो आटे में नमक के बराबर है। तो मैंने तो ये ऐलान किया भाई अपने बेटों के बारे में, जो जो बड़ा होगा शादी करके बीवी को यहाँ लाए गए, जिसने शादी करनी है अलग घर का इंतज़ाम करे,
बहू सीधा उसी घर में जाएगी, आएगी। अभी तो हालांकि छोटे हैं, लेकिन अभी से ट्रेंड कर रहा हूँ उसको। तो ये सेटअप भी इस जमाने में जॉइंट फैमिली का इंतहाई खतरनाक है। इसमें लड़कियां सास की वजह से या सास बहू की वजह से भी डिवोर्स होने चली जाती है, उल्टा भी काम हो रहा होता है। तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है ना। तो जब दिल नहीं है इतने बड़े रहने के, आपस में एक दूसरे के साथ रहने के आदाब भी मालूम नहीं है, तो अलग अलग ही होना चाहिए। तो डिप्रेशन में पहुंचने से पहले पहले उनको अलग कर देना चाहिए। शौहर अगर माली लिहाज से कमजोर है तो रिश्तेदारों को चाहिए उसकी मदद करें। 10-15-20 हज़ार में भी एक दो कमरे का घर आ जाता है, वो उससे तो बेहतर है ना ज्वाइंट फैमिली में, जहाँ वो हजार गज के बंगले में दिमाग खराब हो रहा है, उससे बेहतर है कि झोंपड़े में अलग रहें। तो ये हल है इसका कि उनको फौरन अलग करना चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। जो भी इसमें देर करेगा वो उसको जुल्म है। मैंने बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं पागल हो गई मर गई बिल्कुल ही। और जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस का एक हद तक तो इलाज होता है, वक्ती तौर पर मेडिसिन से कवर हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है फिर भी मेडिसिन से कवर नहीं होता, जब वो रूहानी होती है चुड़ैल भूत के केस में रूहानी इलाज वाले इसको डाल देते हैं। तो उनको फौरन अलग करें, और अगर माली लिहाज से वो कमज़ोर है तो उनको लोगों को चाहिए, उनके रिश्तेदारों को चाहिए सपोर्ट करें। उनको दूसरा अगर पूछना है तो उनको सर पूछ सकते हैं वहां हासिल की व्हाट इज दिस, ये क्या है।